नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लर्निंग एज आई थिंक जिसका नाम है। दोस्तों मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ अच्छे कमेंट्स के लिए, कम्प्लीमेंट्स आप देते हो इसके लिए। तो दोस्तों मेरा पर्पस भी यही है कि मैं आपके लिए अच्छा काम कर सकूँ, अच्छे वीडियोस बना सकूँ, अच्छी जानकारी के से भरपूर वीडियोस आपकी नज़र कर सकूँ। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लगातार मैं दो तीन वीडियो पिछले पोस्ट कर चुका हूँ कि मेंटली रिटार्डेड बच्चों के ऊपर। जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे कौन होते हैं, दूसरे में उनकी पहचान बताई थी कि उनकी पहचान क्या होती है, किस नज़रिए से आप देख सकते हो। आपके सामने वो बच्चे होते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, कुछ उनकी पहचान मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको कारण बताऊंगा कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो होते हैं इनका कारण क्या है, कॉज क्या होता है, कारण क्या होता है कि ये मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। तो दोस्तों और मेरे बहुत ही सत्कार योग मेरे साथियों, जैसे आप जानते हैं कि हमारे समाज में हम इतना ज़्यादा फास्ट चलते हैं, इतना ज़्यादा सबसे आगे निकलना चाहते हैं, दूसरों से कम्पीट करना चाहते हैं, समाज में आगे बढ़ के अपने आप को पहचान देना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। इन सब में हम शामिल होकर के अच्छी बात है, हमें करना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। हमारा जो पैदा होना, इस धरती पे आना, इस बात का प्रूफ भी है कि हम दूसरों से कम्पीट करें, दूसरों से आगे निकलें। बाय नेचर ये ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी भी है, उनमें ट्रेट्स भी होते हैं ऐसे कि वो ऐसा कर पाते हैं ह्यूमन बींग्स। तो सभी मिल करके एक बात, ये बातें तो करते हैं सॉरी, एक बात इग्नोर कर देते हैं, वो है अपने आप का ख्याल रखना, हमारे इन्वायरमेंट का ख्याल रखना, हमारे बच्चों का ख्याल रखना, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज़ हमारे सामने आ जाती हैं, बहुत सारी मुश्किलें हमारे सामने आ जाती हैं, जिसमें से एक ये भी मुश्किल सबसे बड़ी मुझे लगी। तो मेंटली रिटार्डेड होना बच्चे का जो है ये अब्रप्टली नहीं है, एकदम से नहीं होता है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता से कोई ना कोई कारण बनता है इसका। उस कारण को बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो शेयर जरूर किया कीजिए, लाइक कीजिए कीजिए, मुझे कुछ अच्छा लगता है। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ कि ये जो मेंटली टायर्ड बच्चे होते हैं, क्या कारण होता है कि ये मेंटली टायर्ड बन जाते हैं। तो सबसे पहला कारण मैं आपसे बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये इंडिविजुअल केस होते हैं, क्योंकि 100 में से एक आध बच्चा ही ऐसा होता है जो मेंटली टायर्ड होता है, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। तो उनको ज़्यादा केयर, उनकी ज़्यादा जो है उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनको डायग्नोसिस करना पड़ता है, उनका आईक्यू टेस्ट लेकर के उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस देखना पड़ता है कि ये मेंटली रिटार्डेड की किस सिचुएशन में खड़ा है बच्चा। तो इन सभी बातों को करने के बाद हम कोई ना कोई उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, कोई इलाज कर सकते हैं। लेकिन आज बात करने वाला हूँ कि क्या कारण है। पहला कारण जो है मेंटली रिटार्डेशन होने का, ये है कि जब हमारी माता बहनें जब कंसीव करती हैं तो हमारे जो जीन्स होते हैं अंदर से क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं, वो जीन्स जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो, अगर मान लो कमज़ोर जीन्स स्पर्म का बच्चा अगर जो है कंसीव करता है अंडे को, तो उससे क्या होता है कि जो अंडे की फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि बच्चे का जो ग्रोथ होना है वो डिफेक्टेड होता है, ये भी कारण बन सकता है। ये कारण दोनों में हो सकता है, मदर में भी हो सकता है, फादर में भी हो सकता है, और मे बी दोनों में भी हो सकता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो माना गया है, यही माना गया है कि जब भी कंसीव होता है तो कंसीव के दौरान जो है बच्चा जो है अंडा जो है फर्टिलाइजन जो फर्टिलाइज होता है, तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि बच्चे की क्या कंडीशन होगी। तो ये भी कारण बनता है कि कोई ना कोई कमज़ोरी क्रोमोसोम में जीन्स में आती है, तो नेचुरली बात है कि मेंटली रिटार्डेशन किसी ना किसी तरह की बच्चे को होना लाजमी हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आना, फेस करना जो है उसकी कंडीशन बन सकती है। दूसरी बात कर लेते हैं कि जब बच्चा माँ के वम में होता है, पेट में होता है, 9 मंथ तक उसकी वहाँ पर नरिशमेंट होती है, तो 9th मंथ तक अगर माँ को जो है अगर कोई इंट्रा यूट्रस की कोई प्रॉब्लम होती है अंदर से, क्योंकि कंसीव करने के बाद कोई ऐसा एनवायरनमेंट मदर को मिलता है
जिससे वो जो है एक कंडीशन बनती है कि बच्चा अब नॉर्मल हो सकता है, मेंटली ट्रांजिशन बच्चे हो सकती है। बच्चे के साथ साथ जो जुड़ा हुआ माँ का बिहेवियर है वो एक ही गिना जाता है, क्योंकि जैसा बिहेव माँ का होगा, जैसा सोचना माँ का होगा, जो एनवायरनमेंट मदर का होगा, वैसा ही बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो अगर माँ जो है वो इमोशनली और मेंटली कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, उसके साथ ट्रीट अच्छा नहीं किया जा रहा है, उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है घर की, उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना, उसको फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, तो भी ये कारण बन सकता है कि प्रेगनेंसी के बीच में ही उस बच्चे की कंडीशन ऐसी हो जाए कि वो बच्चा जो है मेंटली टार्डर हो जाए। इसके अलावा कोई स्वेयर इलनेस हो सकती है मदर को, ठीक है ना, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है बहुत ज़्यादा जो बच्चे के ऊपर जो है बुरा असर डाल सकती है। इसके अलावा कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना, डेफिशेंसी हो सकती है कुछ माँ को, जो खाने में हो सकती हैं, ठीक है ना, सोचने में हो सकती हैं, तो ये भी बातें कुछ हो सकती हैं। इसके अलावा जो ब्लड बच्चे को जाता है, जो भी मदर खाती है, सोचती है, देखती है, महसूस करती है, ऑब्जर्व करती है, वही असर बच्चे को जाता है। अगर वो डिफेक्टिव होगा, ठीक है ना, तो वही असर जो है बच्चे को जाना जो है वो लगभग तय होता है, और बच्चे का वैसा ही नरिशमेंट होता है अंदर, और वैसा ही बच्चा पैदा होता है, और ये कारण बन सकता है कि वो मेंटली टार्डर्ड भी हो सकता है। तीसरी बात कर लेते हैं कि जब डिलीवरी होती है बच्चे की, ठीक है ना, तो डिलीवरी के दौरान भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। हमारी माता और बहनें जो जानती हैं कि अगर डिलीवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किए जाते हैं, मान लो ऑपरेट हो रहा है, साइजेरियन हो रहा है, तो उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैकेनिकल अगर इंस्ट्रूमेंट का गलत यूज़ हो गया, कम ज़्यादा यूज़ हो गया, तो भी जो चाइल्ड है, बच्चा है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसको हेड इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कारण बन सकते हैं जो मेंटल रिटार्डेशन के तल पे लेकर के बच्चे को आ सकते हैं। इसके अलावा चौथी बात कर लेते हैं, ये वो बात है जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो पैदा होने के बाद कुछ नेटल फैक्टर होते हैं, बाहर के फैक्टर होते हैं, जो काफ़ी प्रभावी होते हैं, जिससे बच्चे का जो मेंटल रिटार्डेशन कई बार होना तय हो जाता है। तो इसमें होता है कि बाहर बच्चा जब पलता है, बढ़ता है, तो कभी कभी खेल कूद में उसको हेड इंजरीज हो जाती हैं, छोटे बच्चे को, कई बार बच्चे गिरते हैं, ठीक है ना, कई बार छोटे छोटे बच्चों को नुकसान हो जाता है। तो जब हेड इंजरीज होती हैं बचपन में, तो वो भी कारण बन सकती है मेंटल रिटार्डेशन का। इसके अलावा कोई क्रॉनिक डिसीज़ बच्चे को हो सकती है अर्ली चाइल्डहुड में, जल्दी से जब बच्चा छोटा होता है, तो अर्ली चाइल्डहुड में भी कोई अगर उसको बीमारी ज़्यादा लॉन्ग हो गई, तो भी बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन आज तो जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हर घर में, इंडिया के हर घर में लगभग 70% हमारे इंडिया में जो है वो माल न्यूट्रिशन का सिस्टम चल रहा है। कई बार हमारे घरों में भी होता है, हमें पता ही नहीं होता। तो एक संतुलित भोजन जो है, प्रॉपर जो फूड है, वो हमें लेना चाहिए, मदर को भी लेना चाहिए, बच्चों को भी लेना चाहिए, सारे परिवार को लेना चाहिए, ताकि माल न्यूट्रिशन जो है ना हो। खास करके बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो मेंटली रिटार्डेशन की बात कर रहा हूँ, तो हमारे बच्चे छोटे छोटे जो हैं अर्ली चाइल्डहुड में हैं, तो उनको फूड की डेफिशिएंसी कभी नहीं होने देनी चाहिए, उनमें जो तत्व हैं उनकी कभी भी कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए, उनको भरपूर खाना देना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो हमारा सोशल कल्चरल एजुकेशन जो सिस्टम है, उसमें भी कभी कभी बच्चा जब आता है तो उसको डिप्राइव किया जाता है, उसको पताड़ा जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है, उसको अब्यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो समाज में भी ऐसे कारण हो सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन में भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं, जो उसको मेंटली रिटार्डेशन के कारण बन सकते हैं। इसके अलावा उसका जो इमोशन मैलएडजस्टमेंट है, वो भी मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं बच्चे के, अगर उनके साथ खेला जाए, उनके साथ अगर अच्छा व्यवहार ना किया जाए, तो भी वो माल एडजस्टेड हो जाते हैं इमोशन से। इमोशंस उनका जो मेन जो एक हथियार होता है, मान लो रोना है बच्चे ने खाने के वक्त, अगर उसको थप्पड़ लगा दिए जाए, चुप करवा दिए जाए, तो वो जो है उसकी जो डेवलपमेंट है रुक सकती है, उसमें नेगेटिविटी आ सकती है, जिसमें वो हर तरफ माल एडजस्टमेंट उसकी हो सकती है, वो कभी भी किसी भी तरफ जो है सही ढंग से जो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और ऐसे उसमें कोई संभव है कि उसमें जो है माल एडजस्टमेंट के साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन भी आ जाए। तो ये जो कारण थे थोड़े से मैंने आपको बताए, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बताए, विस्तार से बताए, और ये इग्नोर नहीं करने चाहिए हमको दोस्तों,
अगर हमारी माता बहनें हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग डिलीवरी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है तो उसको ध्यान से सॉल्व करवाइए, ठीक है ना। मेंटली बुरी तरह फिट रहिए, अब नॉर्मल बिहेव मत कीजिए, सॉफ्ट बिहेव रखिए, गुस्सा मत कीजिए। तो ऐसे क्या होगा कि हमारे बच्चे जो हैं, आने वाले बच्चे जो हैं और जो बच्चे हमारे पास हैं, वो स्मॉल एडजस्टमेंट से और मेंटल रिटार्डेशन से बच सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, इनको हम कैसे जो है रोक सकते हैं, क्या इनका हल है, उनके बारे में बात करेंगे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।